हेलो फ्रेंड्स, क्रिएटिविटी से भरे प्यारे से आर्ट चैनल फ्लाइंग ड्रीम बोट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जिनका नाम सुनते ही हमारे दिल में भक्ति और साहस की भावना जाग आती है। वो हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण देवता माने जाते हैं और उनकी कथाएं हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रही हैं। हनुमान जयंती या हनुमान जन्म उत्सव भारत में एक बेहद ही खास पर्व माना जाता है। इस दिन देश भर में हनुमान भक्त पूजा आराधना करते हैं। हनुमान जी का जन्म भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद से हुआ था और उनके बचपन की एक कहानी जिसमें वो जब छोटे होते हैं तो एक बार अपनी बालकनी से सूर्य को देखते हैं और जब उन्हें भूख लगती है तो वो सूर्य को निकलने के लिए वो आसमान में उड़ने लगते हैं। वो आसमान में काफ़ी दूर तक उड़ते हैं और जब वो सूर्य के नज़दीक आ जाते हैं तो वो जैसे ही उसे सूर्य को निकलने वाले होते हैं तभी वहाँ इंद्रदेव आ जाते हैं और इंद्रदेव अपने वज्र से हनुमान जी के मुख पर वार कर देते हैं। जब ऐसा होता है तो वहाँ पर पवन देव आ जाते हैं और क्योंकि हनुमान जी पवन देव पुत्र भी कहलाते हैं तो पवन देव ने जब उन्हें देखा कि उनके पुत्र पर इंद्रदेव ने वज्र से प्रहार कर दिया है तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं और उनकी नाराज़गी से वह पृथ्वी पर जो भी पवन आती है जिसे हम सांस लेते हैं ये सब वो पृथ्वी पर बंद कर देते हैं और पृथ्वी के प्राणी बिना पवन के जीवित रह नहीं सकते तो सारी पृथ्वी में प्रॉब्लम हो जाती है। सब लोग बहुत ही परेशान हो जाते हैं। फिर इंद्रदेव उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, उनसे कहते हैं कि कृपया पृथ्वी पर ऐसी पवन वापस ला दें, पर क्योंकि पवन देव हठी होते हैं तो वो मानते नहीं हैं। तो इंद्रदेव फिर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी आकर फिर उनकी बात सुनते हैं कि हुआ क्या क्या है और ब्रह्मा जी फिर उनके बीच सुलह करवाते हैं और सुलह करवाने के बाद इंद्रदेव हनुमान जी को और इसके बाद फिर सभी देवी देवता हनुमान जी को अलग अलग शक्तियों से वरदान देते हैं। और अब हम अपने आगे का स्केच को कंटिन्यू करते हैं।
जी का ये खूबसूरत सा स्केच बनकर तैयार है। आपको ये कैसा लग रहा है? अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इसी तरह के आर्ट, क्राफ्ट और कुछ अलग क्रिएटिविटी से भरे वीडियोस लेकर आती रहती हूँ। आप चाहते हैं कि आप इन वीडियोस को मिस ना करें तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए। और मैं अब आपसे इजाज़त लेती हूँ, मिलूँगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।